हायर एजुकेशन से जुड़े छोटे या बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें डीके गुरु ट्यूटोरियल, साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कुमार अपने यूट्यूब चैनल डीके गुरु ट्यूटोरियल में आप सभी सहपाठियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आप सभी के ऑन डिमांड पे मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा बुक का रिव्यू लेकर आया हूँ जो कि इस वक्त Amazon पे नंबर वन सेलिंग बुक बना हुआ है। जी हाँ, UGC नेट पेपर वन का अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आई बुक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का, उसका मैं आज आप लोगों के लिए रिव्यू करने वाला हूँ। दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो ये रहने वाला है। आप लोग मेरे साथ इस पूरे वीडियो के दौरान जरूर बने रहिए, क्योंकि आज मैं सिर्फ इंग्लिश मीडियम या सिर्फ हिंदी मीडियम का रिव्यू नहीं करने वाला हूं, बल्कि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का रिव्यू करने वाला हूं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का इस बुक का। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये बुक इस वक्त नंबर वन सेलिंग बुक बना हुआ है। सारे के सारे स्टूडेंट इस बुक को खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। आखिरकार क्या है इस बुक में, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इस रिव्यू में दोनों बुक के बारे में बारी बारी से जानेंगे। दोस्तों, आप लोग एक कहावत तो सुने होंगे। कहावत यह है कि अगर यदि कि आपको युद्ध जीतना है तो आपके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र होने चाहिए। अगर यदि कि आपके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र नहीं है तो आप में भी युद्ध हार जाएं। ठीक वैसे ही अगर यदि कि आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालना है, UGC नेट अगर यदि पास करना है, तो आपके पास कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल चाहिए, अच्छे बुक्स चाहिए होंगे। अब उस अच्छे बुक का क्या डेफिनेशन होता है, उस अच्छे बुक का डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सा होता है कि वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हो और साथ ही साथ ऐसा हो जिसे आप आसानी से समझ सकें। दोस्तों, यदि मैं बात करूं इस बुक का, तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता हिंदी और इंग्लिश दोनों बुक में ये है कि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, जो कि कोई भी आसानी से समझ सकता है। उसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस बुक का, वो ये है कि ये कंप्लीटली नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इस बुक को अगर यदि आप खोलेंगे तो वो सारे चीज आपको मिल जाते हैं जो नए सिलेबस में इंक्लूड किए गए हैं। वो सारे टॉपिक्स को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे से इस बुक में शामिल किया गया है। चाहे वो हिंदी मीडियम का बुक हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का बुक हो, अगर यदि आप खोलेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से वो सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में। दोस्तों, ये बुक का लैंग्वेज क्यों इजी है, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूं। रीजन ये है कि अगर जबकि आप इस बुक को देखते हैं तो इंग्लिश मीडियम का जो बुक है उनका राइटर कोई और है, वही हिंदी मीडियम का राइटर जो है वो कोई और है। यही वो रीजन है कि इस बुक का जो लैंग्वेज है वो बहुत इजी है, क्योंकि बहुत सारे बुक ऐसे भी है मार्केट में जिसका इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के राइटर एक ही हैं। तो मे भी ऐसा होता है, आप भी देखे होंगे कि एक ही व्यक्ति का हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छा हो, यह हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहां पे इन चीजों को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश मीडियम के लिखने वाले राइटर सिर्फ इंग्लिश मीडियम का बुक लिखे हैं, हिंदी मीडियम को लिखने वाले राइटर सिर्फ हिंदी मीडियम का बुक लिखे हैं, लेकिन दोनों ही बुक को बहुत ही बारीकी से लिखा गया और सारे नए कंटेंट को शामिल किया गया है। मेरे पास ये बुक 15 दिन पहले आ चुके थे। हमने 15 दिन बाद इसका रिव्यू इसलिए किया क्यों, ताकि मैं इस पूरे बुक को पढ़ सकूं, इस बुक को पूरे समझ सकूं। और मैं जहां तक समझ पाया इस बुक को, काफी अच्छा बुक है, बहुत अच्छा कंटेंट है। मुझे लगता है कि अब तक जितने भी बुक मार्केट में अवेलेबल है उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक में से एक है, बहुत ही अच्छा बुक है। दोस्तों, अगर यदि मैं और कुछ इस बुक्स के बारे में बात करूं तो यहां पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स अगर यदि आप इंग्लिश मीडियम का बुक लेते हैं तो वहां पे 2004 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। वहीं पे अगर यदि कि आप हिंदी मीडियम का बुक लेते हैं तो यहां पे आपको 2013 से 2018 तक के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, वो भी विद सॉल्यूशन। अब देखिए, अगर यदि कि आप ये बुक को खरीदते हैं तो आपको क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का कोई और एक्स्ट्रा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाता है। वहीं अगर यदि कोई और आप यदि बुक परचेज करते हैं तो आपको बुक के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी खरीदने होंगे, जबकि ये बुक अगर यदि आप खरीदते हैं तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा। इसके अलावे और जो इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि ये बुक अगर यदि आप खरीदते हैं
तो आपको 5 फ्री मॉक टेस्ट मिलने वाला है, 5 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, वो मॉक टेस्ट आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे एक स्क्रैच कोड होगा। इस कोड को जैसे आप इस वेबसाइट विजिट करके वहां पे डालेंगे, आपको 5 फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा। दोस्तों आपको पता होगा आज के डेट में कितना महंगा हो गया है मॉक टेस्ट, क्योंकि एक एक यूट्यूबर 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया आपसे मॉक टेस्ट के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे अगर जबकि आप इस बुक को खरीदते हैं तो आपको आसानी से बिल्कुल फ्री में एक मॉक टेस्ट मिल जाएगा। एक नहीं बल्कि कुल 5 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। दोस्तों एक और जो इस बुक की सबसे अच्छी बात है वो ये है कि अगर जबकि आप दूसरा और यदि बुक देखेंगे तो आपको थियोरेटिकल पोर्शन और मैथमेटिकल पोर्शन में थोड़ा सा वीक नजर आएगा। अगर यदि किसी बुक का थियोरेटिकल पोर्शन अच्छा है तो मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा वीक नजर आता है। इस बुक को अगर यदि आप खोलते हैं तो यहाँ पे आपको थियोरेटिकल पोर्शन के साथ साथ मैथमेटिकल पोर्शन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, कम से कम इतना अच्छा तो जरूर मिल जाता है कि बाकी बुक से अच्छे हों। दोस्तों इस बुक का अगर यदि मैं ओवरऑल अगर यदि मैं आपको रिव्यू बताऊं तो मुझे लगता है कि इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त मार्केट में उपलब्ध सबसे बेस्ट बुक है। इनसे बेस्ट बुक यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए इस वक्त नहीं है। दोस्तों और भी जो बेस्ट बुक थी, मैं थी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अब तक अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग मार्केट में नहीं मौजूद है। तो अगर यदि कि वो बुक अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बेस्ट बुक है? मुझे लगता है कि बेस्ट बुक इस वक्त का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक है, पेपर 1 की बुक है। दोस्तों ये तो रहा इस बुक का अच्छाई कि इस बुक में क्या क्या एडवांटेजेस हैं आपको खरीदने से और इस बुक की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब मैं बात कर लेता हूं इस बुक का क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस नहीं है। इस बुक का अगर यदि आप डिसएडवांटेज को ढूंढेंगे तो एक डिसएडवांटेज आपको थोड़ा सा मिलेगा कि प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा गया है, लेकिन अगर यदि कि आपको बुक के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाते हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, उसके साथ अगर यदि आपको मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 5-5 बिल्कुल फ्री में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा प्राइस आप दे करके परचेज कर सकते हैं। उसके अलावे अगर जबकि मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम की बुक, बिल्कुल परफेक्ट बुक है। मुझे लगता है कि इस बुक में और कोई चेंजेस की जरूरत भी नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जरूर इसको अपडेट करती रहेगी। लेकिन अगर मैं बात करूं हिंदी मीडियम की बुक तो और थोड़ा सा इजी लैंग्वेज किया जा सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूंगा कि चूंकि आप सब पीजी पास स्टूडेंट हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगा जिस लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। बहुत ही सॉलिड बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर जबकि आप यूजीसी नेट जून 2019 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं और इस वक्त अगर यदि मार्केट में यदि आप बुक ढूंढेंगे तो आपको कोई बुक मिलने वाला नहीं है। अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी बुक आई है वो सिर्फ ऊपर का ये पेज चेंज करके पहुंच गए हैं, अंदर का कंटेंट वही के वही है। इस बुक में अगर जबकि आप देखेंगे तो आपको ऊपर का पेज के साथ साथ अंदर के कंटेंट भी बिल्कुल नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात इस बुक की यह है कि यह बुक बिल्कुल नई है मार्केट में। आज से पहले यह बुक मार्केट में कभी थी ही नहीं, इस बार ही इस बुक को पहली बार मार्केट में लाया गया। और मुझे लगता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का यह बुक आने वाले वक्त में यूजीसी नेट के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ बुक बन जाएंगे। बहुत ही अच्छा कंटेंट है इस बुक की। एक और जो सबसे खास बात है वो ये है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हर चीजों को बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। अगर यदि आप देखेंगे तो देखिए डायग्राम का भी बहुत अच्छे से यूज किया गया है। बुक को यदि आप खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावे इस बुक का जितने भी लेसन है उस लेसन के बाद तकरीबन आपको 300 क्वेश्चंस मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों ये दोनों वो बुक है, आप चाहें तो अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश का बुक खरीद लें, हिंदी मीडियम है तो हिंदी का बुक आप खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, मैं बार बार बता रहा हूं ये चीज आप लोगों को। एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा कि ये बुक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से उपलब्ध है। चाहे तो आप जाकर के स्टोर से भी खरीद सकते हैं, चाहे तो आप ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों ऑफलाइन स्टोर में मे भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए, इसलिए प्रॉब्लम आए क्योंकि चूंकि अभी अभी ये बुक
मार्केट में लॉन्च हुई है तो हर जगह इसको अवेलेबल नहीं कराया जा सका है, लेकिन ऑनलाइन स्टोर पे आपको ये बुक मिल जाती है। अगर इसके आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो सीधे आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का लिंक मिल जाता है। सीधे आप लिंक को क्लिक कर आप इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों कोशिश करें इस बुक को ऑनलाइन ही परचेज कर लेने का, क्योंकि जरूरी नहीं है ये आपके नियरेस्ट बुक इंस्टॉल में मिल जाए, लेकिन आपको ऑनलाइन जरूर ये बुक मिल जाएगा। और एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये बुक इस वक्त नंबर वन सेलिंग बुक है, सारे के सारे स्टूडेंट टूट पड़े हैं ये बुक आते ही। तो मुझे लगता है आपको भी खरीद लेना चाहिए, बहुत अच्छी बुक है, अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है और सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। साथ ही साथ अगर यदि आप सभी को ये बुक परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं जरूर कोशिश करूंगा उसको सॉल्यूशन करने का। दोस्तों पेपर वन का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप डीके गुरु ट्यूटोरियल के साथ जुड़ सकते हैं। यहां पे आपको पेपर वन का कंप्लीट लेक्चर मिल रहे हैं अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग।